एक तो आम जनता बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान है, ऊपर से बिजली कर्मचारियों के लापरवाह और मनमाने रवैये से जनता का जीना दूभर कर दिया है। रीवा के बैकुंठपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों के आदेश पर जबरन एक कंप्यूटर सेंटर के बिजली का कनेक्शन काट दिया गया और उसके एक दिन बाद उस कंप्यूटर सेंटर में पहुंचे करीब आधा दर्जन बदमाशों और गुंडों ने पूरे कंप्यूटर सेंटर में लूट के साथ तोड़फोड़ की। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर वार्ड क्रमांक 15 का है, जहां बैकुंठपुर विद्युत मंडल के अधिकारियों के आदेश पर जबरन साई कंप्यूटर के बिजली का तार काट दिया गया। इसके लिए कनिष्ठ यंत्री ने अपने कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारी रयूब खान को काम में लगा रखा है, जबकि सेंटर का बिजली का बिल जमा किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों के द्वारा तार जोड़ने के लिए पैसे की मांग भी की गई, जिस पर वहां कार्यरत महिला कर्मचारी के द्वारा पैसे देने से मना कर दिया गया। तब कंप्यूटर सेंटर में मौजूद महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया। इसी बीच पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा होते देख बिजली कर्मचारी वहां से भाग निकले, जिस पर उनको चोटें आई हैं। बिजली कर्मचारियों ने इस घटना पर साई कंप्यूटर पर ही प्रकरण दर्ज कर दिया है। उधर साई कंप्यूटर के मालिक ने बताया कि बिजली विभाग अधिकारियों ने पावर का गलत इस्तेमाल कर उनके खिलाफ प्रकरण बनाया है। वहीं बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी रयूब खान के बेटे आयान खान ने अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ कंप्यूटर सेंटर में लूट के साथ तोड़फोड़ की। सेंटर में रखे कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क सहित सामान को नुकसान पहुंचाया और कैश लूट कर ले गए। पीड़ित नीलम पटेल और आशुतोष पटेल ने धमकी, लूटपाट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मेरा कनेक्शन काट दिया गया है, जबकि मेरा बिजली का बिल 21 जुलाई को जमा था। इसके बाद 5 अगस्त को बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी आए, वो खंभे पे चढ़े थे और कुछ लोगों को कनेक्शन जोड़ रहे थे। उस समय हमारा कनेक्शन नहीं जोड़े, उनके साथ हमारी थोड़े कुछ बातचीत हो गई और इसके बाद ऐसी स्थिति आ रही थी जैसे मारपीट की घटना घट जाए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। फिर विद्युत विभाग के कर्मचारी सभी जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दे, मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।